हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में। कोरियोलिस एक्सेलरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस के लिए, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक दो बार पूछा गया, गेट से इससे एक दो बार क्वेश्चन आया है, बट ये क्या होता है कई बार इंटरव्यू में भी आपसे ये चीज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन की। अब देखिए, पिछली बार हम लोग ने जैसा कि वेलोसिटी एनालिसिस में डिस्कस किया था कि दो टाइप की हमारी एक्सेलरेशन होते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में दो टाइप की एक्सेलरेशन होंगी आपकी। पहला एक्सेलरेशन होता है आपका कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है आप लोगों का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन ये तीसरा एक कंपोनेंट आता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये कब आता है, जब एक स्लाइडर किसी रोटेटिंग बीम पर स्लाइड कर रहा हो। ध्यान से सुनिए, जब एक स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन, इज स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग बार। ठीक है, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का केस कब आएगा, जब एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा होगा किसी एक रोटेटिंग बार पे। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बीम है, ठीक है, और यहां पर स्लाइडर है, ये हमारे पास स्लाइडर है। तो अब क्या हो रहा है, जब हमारे पास एक स्लाइडर है, लेट अस सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैं मान लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर मैं इसको ओमेगा के थ्रू रोटेट करता हूं, ओमेगा के थ्रू रोटेट करता हूं, तो इसका जो आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका इनिशियली स्लाइडर था और यहां पर आपका फाइनल स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम मोमेंट कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, लेट अस सपोज थीटा एंगल से रोटेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो रहे, अगर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो रहे, तो उस केस के लिए, अगर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो रहे, तो उस केस के लिए आपका, अगर आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि स्लाइडर तो यहां पर स्लाइड हो ही रहा है, स्लाइडर तो स्लाइड हो ही रहा है, बट क्या इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, साथ में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये जो बार है जिस पर स्लाइडर रखा हुआ है, ये भी रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये कि स्लाइडर को जाना पहुंचना था यहां पर। ठीक है, अगर इनिशियल पोजीशन स्लाइडर की ये थी, तो फाइनल इसकी ये होनी चाहिए थी, लेकिन वेलोसिटी क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब स्लाइडर भी मूव कर रहा है, तो जो स्लाइडर की जो पोजीशन होगी फाइनल, वो यहां पर होगी, जो स्लाइडर की फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहते हैं, इसी एक्सेलरेशन को कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहते हैं। कोरियोलिस एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, एसी से डिनोट करते हैं इसको, टू ओमेगा वी। ठीक है, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार एंड वी इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसमें एक और चीज, जो क्वेश्चन जो गेट में भी पूछा गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया, वो ये है कि आपको बताना है ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन की आपको डायरेक्शन बतानी रहेगी कि किस डायरेक्शन में कोरियोलिस एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, आई होप ये आप लोग लिख चुके होंगे या याद होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दैट इज टू ओमेगा वी। ये जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फैक्टर, अगर आप कभी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ेंगे तो अर्थ की जो रोटेशन होती है उस पर भी ये इन्वॉल्व होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। इसके बारे में डिटेल में आप विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं या गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्शन के केस में सिंपल सी चीज ये रहेगी कि आप लोगों को ध्यान में रखना है ओमेगा, रोटेट करना है इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये प्लीज लिख लीजिए अगर आप लोग लिख रहे हैं तो, इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड रोटेट
वेलोसिटी 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन। अभी एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीज लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, लेट अस सपोज हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं। हमारे पास वापस से वही सेम एक रॉड है जिस पर एक स्लाइडर है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या एक हमें एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है ओमेगा, ओमेगा लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में, ओमेगा इस डायरेक्शन में। तो ओमेगा इस डायरेक्शन में मतलब क्या, आपको वेलोसिटी को रोटेट करना है 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये है। तो मतलब जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का आएगा वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये देखिए वेलोसिटी का ये है, तो इसी को 90 डिग्री अगर आप रोटेट करेंगे, इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये जो मैंने अभी जो ड्रॉ किया है, यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। सिमिलर वे में अगर आप सेकंड एग्जांपल भी कंसिडर करें, सेकंड एग्जांपल में अगर आप कंसिडर करते हैं, इस बार मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेम रखता हूं, एंगुलर वेलोसिटी को मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है। तो जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए वापस से, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आपको वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है काउंटर क्लॉकवाइज में, और कैसे रोटेट करना है, 90 डिग्री पर रोटेट करना है। तो मतलब क्या हो गया, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो ये मेरा यहां पर ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला 90 डिग्री से मैंने वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी वाला पोर्शन था, मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये मेरा आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वापस से मैं आपको बता दूं 2 ओमेगा वी। स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये चीज पूछी जाती है। तो कितने भी तरीके का डिफिकल्ट, आई थिंक सो 2001 या 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंट डायग्राम्स बनाए गए थे, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, उसमें आपको कोरियोलिस एक्सेलरेशन का आप लोगों को बताना था कि डायरेक्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल वीडियो टू make you understand Coriolis acceleration. Those who haven't subscribed to my channel, please subscribe to it. Thank you so much. Have a very great day. और कोई भी doubt हो, कोई भी topic जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो related with mechanical engineering, just drop down in the comment section. ठीक है, आप कोई भी comment डाल दीजिए कि आपको ये वाला topic पढ़ना है, या फिर आप मुझे message कर सकते हैं WhatsApp पर, ठीक है, जिन लोगों के पास भी मेरा number है, ठीक है। अगर नहीं है आप लोगों के पास मेरा नंबर, तो जस्ट कमेंट कर दिए कि नंबर नहीं है, तो मैं आपको नंबर वहीं से प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।